Assalamualaikum guys, so welcome back to our YouTube channel Yuvath Reaction. This is Usama. This is Marja. So guys, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. एकदम फिर से एक मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं. सो गाइज, आज की वीडियो के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत मजा आने वाला, क्योंकि आज की वीडियो जो हम जो देखने के लिए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद हमने इसको पहले भी देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को पहले नहीं देखा होगा, लेकिन इस सिटी को हमने पहले देखा होगा. तो भाई मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूँ इंडिया की. आज हम सिटी देखने के लिए जा रहे हैं चेन्नई सिटी. बहुत जबरदस्त सिटी है यार, बहुत ही मजा आएगा. आज हम देखेंगे, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे और देखेंगे क्या चेंज आया क्या नहीं आया, क्योंकि हमने पहले भी इंडिया के काफी सिटीज पे रिएक्शन दिए हुए हैं और हमें मजा आता था. यकीन मानो मारे कि जब हम शुरू शुरू में वीडियोस बनाते थे तब मारिया नहीं थी होती हमारे साथ, तो मैं और मेरे भाई बहुत शौक से देखते होते थे. हम कहते थे कि यार लाजमी इस पे रिएक्ट करना है, बड़ा मजा आता सिटीज का देखने का. ड्रोन के जरिए हम देखते थे. अब ये पता नहीं किस तरह की वीडियो होगी, लेकिन देखते हैं जिस तरह भी भाई ने दिखाई होगी हमें मजा आएगा. इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा. एक्सप्लोर YRS का चैनल है, ठीक है, इसको भी लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा. तो मेरे ख्याल से पहले वीडियो को देख लेते हैं, बाकी बातें हमेशा की तरह बाद में डिस्कस करेंगे ना मजे से. तो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें यार, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको टाइम पर वक्त पे मिल सके. तो भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, पूरी वीडियो देखा करें और आगे से आगे इसको शेयर किया करें, बहुत ज्यादा यार लाइक करें. बिल्कुल ये समझ के कीजिएगा कि आप अपनी कंट्री को आगे दिखाना चाह रहे हैं. पहले स्टार्ट कर लेते हैं. Go. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे. आज के वीडियो में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर की बात करने वाले हैं. ये शहर आसपास के क्षेत्र का कमर्शियल और एजुकेशन हब माना जाता है. ये शहर बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर मौजूद है. इस शहर को भारत का हेल्थ केयर कैपिटल भी कहा जाता है. ये शहर समुद्र तल से महज 23 फीट की ऊंचाई पर भारत की राजधानी दिल्ली से 2508 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है. ये शहर 1189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है. इस शहर को 1966 से पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय लोग इसे चेन्नई के नाम से ही जानते हैं. इस शहर की जनसंख्या 1,24,00,000 से भी ज्यादा है, जो इसे मेट्रो सिटीज की लिस्ट में शामिल करता है. 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या इस शहर को 6th मोस्ट पॉपुलर सिटी बनाती है. इस शहर को ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन संभालता है, जो लंदन के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे पुराना सिटी कॉरपोरेशन है. साल 1688 में इस कॉरपोरेशन को बनाया गया था, जो आज भी शहर के कामकाज को संभालता है. इस शहर का शहरी क्षेत्र काफी विशाल है, जो इसे वर्ल्ड का 36वां लार्जेस्ट अर्बन एरिया बनाता है. इस सिटी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करवाएंगी. यूनेस्को ने इस सिटी को उस लिस्ट में शामिल किया है जहां मॉडर्न और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं. इस शहर में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का 1/3 हिस्सा ऑपरेट करता है, और आज की साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता. बॉलीवुड में जहां फ्लॉप मूवीज बन रही हैं, उसके उलट तमिल फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही है. तमिल फिल्म ज्यादातर इसी शहर में बनाई जाती है. इस शहर का नाम भी बहुत ही खास है. वैसे नाम तेलुगु भाषा का है, जो यहाँ के एक रूलर दमारला मुनिरासा चेन्नप्पा नायकडू के नाम पर चेन्नई रखा गया था, जो विजयनगर अंपायर के अंडर इस शहर पर राज करते थे. साल 1639 के समय यह शहर ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया. साल 1367 के एक शिलालेख में चेन्नई को मद्रास पट्टनम नाम के एक बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत के समय इसे ऐतिहासिक नाम मद्रास के नाम से जाना जाने लगा. हाल ही के एक अंदाजे के अनुसार इस शहर के मेट्रो एरिया की जीडीपी 78 बिलियन डॉलर से लेकर 88 बिलियन डॉलर हो सकती है, जो इसे भारत का 6th मोस्ट प्रोडक्टिव मेट्रो एरिया बनाता है. इस शहर की इकोनॉमी ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर पर टिकी हुई है. इस शहर में टूरिज्म सेक्टर भी काफी ज्यादा फल फूल रहा है. जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये शहर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. एक आंकड़े के मुताबिक भारत में तीसरा सबसे ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट करने वाला शहर भी चेन्नई को ही कहा जाता है, और उसमें ज्यादातर हिस्सा यहाँ के कल्चर, खाने और तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज की वजह से ही अट्रैक्ट होता है. भारत के 4 स्टॉक एक्सचेंज में से एक स्टॉक एक्सचेंज चेन्नई में ही मौजूद है, जिसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है. फोर्ब्स की टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज की लिस्ट में ये शहर आता है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज 16th सेंचुरी में ही लगना शुरू हो गई थी. उस समय यहाँ पर सूती कपड़ा बनाने की फैक्ट्रीज लगाई गई थी, और यूरोप में उस कपड़े को एक्सपोर्ट किया जाता था. चेन्नई भारत के उन 4 शहरों में शामिल है जिन्हें वर्ल्ड वाइड अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट किया गया है. इस शहर में चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के बाद भारत का चौथा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है.
इस शहर से यूरोप, एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका तक फ्लाइट्स जाती हैं। यहाँ दिन भर में 600 से ज्यादा जहाज टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इस एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा कंपनियों के जहाज उड़ान भरते हैं। रेल मार्ग से भी ये शहर भारत के दूसरे शहरों से काफी अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। देश के बड़े बड़े शहरों तक इस शहर से ट्रेन मिल जाती है। इस शहर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, जो बिजनेसेस को सीमलेसली ऑपरेट करने में हेल्प करता है। उम्मीद है आपको ये शहर भी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए शहर की सैर पर। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही शहरों के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद। ओके जी, तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें पता ही नहीं हमें पता थी सिटी के बारे में, बाकी हमें पता चली। और बड़ी एक अच्छी बात होती है सिटी के बारे में लेकर। मुझे एक यूनिक सबसे पहले बात ये लगी कि पहले इसका नाम चेन्नई नहीं था, पहले इसका नाम मद्रास था। बिल्कुल, मतलब उन्होंने कहा कि पहले इसका नाम मद्रास हुआ करता था, बाद में इसका नाम चेंज करके इसको चेन्नई रख दिया गया। और उन्होंने बताया यहाँ पे खाने की चीजें भी बहुत ज्यादा फेमस है, और सबसे बड़ी बात ये मॉडर्न सिटी है। बिल्कुल, मॉडर्न सिटी के लिहाज से मतलब कहते काफी मशहूर है। और उन्होंने तीसरी बात ये भी बताई थी कि हेल्थ केयर के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मशहूर है ये सिटी। और दूसरा उन्होंने मेन चीज जो है सबसे पहले उन्होंने जो बताई, उन्होंने कहा तमिल मूवीज जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा शूट की जाती है, बहुत ज्यादा हिट हो रही है तमिल मूवी, वो यहीं पे शूट होती है, यहीं पे शूट होती है और बहुत से लोग यहाँ पे देखने के लिए उसको आते हैं। और उन्होंने बोला कि मतलब ये सिटी जो है बाकी मॉडर्न सिटी कहलाई जाती है और ये किसी से कम नहीं है। इसकी जीडीपी भी उन्होंने बताया बहुत ही जबरदस्त किस्म की है। और बाकी ये कि लोग भी वहाँ के उन्होंने कहा बहुत लवली है, केयरिंग लोग हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और टूरिज्म बहुत ज्यादा आते हैं, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं। तो एक अच्छी बात है यार कि आपकी सिटी को जो है दूसरे ममालिक के लोग आके देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको मतलब बताते हैं कि आपका सिटी ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो एक अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल सिटी है कि हमें यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसके बारे में नहीं पता थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से थोड़ा ही आगे है, ज्यादा आगे हाँ, बिल्कुल दिल्ली के मतलब थोड़ा सा किलोमीटर का फासला हाँ, बाकी ये कि मतलब उसके करीब करीब है। लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत जबरदस्त किस्म के शहर की बहुत सी बातें हैं जो भी हमने नहीं सुनी। लेकिन ये कि वाकई मजा आया यार इनकी वीडियो देख के। इनकी वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, उसको भी आप लाजमी चेकआउट लाजमी कीजिएगा। तो हमें वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। अब आपने बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।